जिस दिन तेरे इश्क में जान जाएगी अर्ज़े वतन, समझ लेना तेरा सबकर यह ये पाकिस्तान जिंदाबाद। अज अल्फाज नहीं गल करना दे, ये तो कोई इवेंट होंदे कोई होंदे, असी बड़े दिलेरी नाल गल करने आ। अज असी आखा शर्म नाल चाड़ी दी है और मैं स्पेशली मुखातिब आपदे उन्हां नौजवानां नाल, आपदे उन्हां भरावां नाल जिन्हां जे एक हफ्ते तो सोशल मीडिया ते तूफान मचाईदा सा कि असी स्वीडन कोलों बदला कैंसा, असी ये कर सा, असी वो कर सा, ते ये रहता सी यार, ई गैरता सी। अज बेला सा कुथे हो, अज पता लग्या कि मानसेरे दी पीला खावा दी है, ते हजार आदमी इकट्ठे होए ने की किथे पीला खपरा, किथे नौजवान जिहड़े सोशल मीडिया ते नारे मारदे ने कि जिस वेले ग्राउंड ते वक्त आंदे ही है बदला कैंसा कोरिया कोलों, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਬੋਰ ਮਦੀਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨਾ ਪੈ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸੋਣ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮਾ ਕਿ ਜਿਸ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦੀ ਬੇਹਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਜੁਲਦੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੇਹਰਮ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦੀ ਬੇਹਰਮਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਬੇਹਰਮਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਔਰ ਸੁੱਕੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ, ਬਸ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਯੋ ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, उल्मा की जिम्मेदारी तो है वो अदा कर दे और ऐसा बोलो भरपूर अदा कर देना जिथे बैठे थे दूसरी देख के लो, लेकिन भाई के मुसलमान अच्छी भी जिम्मेदारी ऐसी कड़ी अदा कर दे यार। शर्म को तुम मरना चाहिए ऐसा को, कोई रिवायतियां गला ना कर सा, कोई लंबियां गला ना कर सा, क्योंकि अल्फाज ही नहीं मरे कोल सर, शर्म तो चुक गए। गैरतमंद लोगों का दिल है, गैरतमंद लोगों की धरती है, कितने ना पी लग लोग ਕਿਤੇ ਨਾ ਪੀਲਾ ਲੋ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਿਰਫ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇਨਕਲਾਬ, ਸਿਰਫ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨਬਜ਼ ਟੋ ਕੇ ਅਸਤੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਗੈਰਤ ਜਾਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁੱਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਈ ਬਾਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚਾਹੀਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਕਿਆਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਬੇਹਰਮਤੀ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਬਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਸਾਖੀ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਚੁਣਾ ਸੁਣੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾੜਿਆ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਸਤੋਂ ਨਾ ਦੇਖ ਕੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖ ਕੀ ਦੀ ਕੀ ਗੈਰਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੀ ਗਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੰਜ ਨਾ ਕੁਝ ਅੱਪੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੈਰਤੀ ਹੈ ਕੀ ਜਾਨ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਰਕੋ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਉਹ ਵਾਜਿਬ ਅਲ ਕਤਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਉਹ ਵਾਜਿਬ ਅਲ ਕਤਲ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਤਰਫੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਲੜ ਜੀ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਕਟਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀ बस एक ही हल है जहाँ नारा मारे ब्राउज मारिया इस्लामी हुकूमत है तो मुल्क बड़े ही कलमे की बुनियाद से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के बुनियाद से बनने वाला मुल्क और शर्म आनी चाहिए असली हुक्मराना को जेड़े आते हैं कि इस्लामी मुमलिकत का सरबराह के आते ऐसी मुजम्मत करते हैं और लानत है तुसी मुजम्मत ते भी दे तुसा ते भी जात का ऐलान करो यार, जात का ऐलान करो कि मुसलमान दुश्मन दा सिर्फ एक ही हल है, सिर्फ एक ही हल है जात दा, जरूर दे इस कौम को, जरूर दे इस कौम को जात दी अमल करने दी किस तरीके नारा मारसा जवाब दे सो, लेकिन इस तरह की पता लगे इस तरह जवाब नहीं देना जिस तरह खबर ना हो सचियां गल्लां करने आ। नारे तकबीर नारे तकबीर अल्लाह अकबर यहूदियों का एकलाल यहूदियों का एकलाल मेरा मेरा रिश्ता क्या मेरा मेरा रिश्ता क्या अगर चले वो हमसे जिसे सर अजीज हो हम सर फिरों के साथ कोई सर फिरा चले। सबसे पहले मैं जुमंदा जरान जिला मानसरा के मरकजी क्यादत हाजी हारून साहब हाजी मोहम्मद हनीफ साहब के साथ जितने भी
जिम्मेदारान हैं, इनको मुबारकबाद पेश करता हूं और खराज तहसीन पेश करता हूं कि इन्होंने मानसरा जिला के अंदर एक आवाज जो तहरीके इंकलाब सुबह आजारा की तरफ से पहले दिन लगाई गई थी उस पे लबैक कहा और ये इसको इसका क्रेडिट अंजमंत्र ग्राम जिला मानसरा को जाता है कि इन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया। यहाँ पे हमारे क्राम मौजूद है, ज्यादा मजबी बात उन्होंने कर दी। सिर्फ एक पैगाम दूंगा कि मुसलमानों खुदा का वास्ता है, एक हो जाओ, एक हो जाओ। आज यहाँ पे देखा कि बहुत सारी सियासी जमातें यहाँ पे इकट्ठी हैं, हर बंदा अपने परचम के साथ आया। आज सिर्फ कुरान का परचम थाम लो, मुसलमान होने का सबूत दो, सिर्फ एक मुसलमान होने का सबूत दो। हम अपनी जगह पे, हम बरेली भी अपनी जगह पे होंगे, हम सुन्नी एलएटीसी, हम देवबंदी अपनी जगह पे होंगे, हम पीडीआई वाले जेयूआई वाले अपनी जगह पे होंगे। लेकिन जब बात मेरे मजहब पे आ जाएगी, जब बात इस्लाम की आ जाएगी, जब बात हमारे ईमान पे आ जाएगी, तो इंशाल्लाह हम एक होंगे, हम सीधा पिलाई हुई दीवार साबित होंगे। हमारे अंदर उस वक्त कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए। मैं ये उलमा से ये चोली फैलाकर ये अपील करता हूँ कि खुदारा लोगों को एक होने का पैगाम दो। हम यहाँ पे जमा होते हैं साल में एक बार, छह महीने के बाद, लेकिन आप लोग हर जुमे के बाद आपके पास मेंबर है। आप उस मेंबर को तफरीक का जरिया ना बनाए, उस मेंबर से आप एक होने का सबूत है। जब हमारी मसाजिद से ये ऐलान होगा कि मुसलमान एक है, तो फिर कुफर की ताकत, कोई ये ताकत उसको जुदा नहीं कर सकती। कोई ये नहीं सोच सकता कि उसमें से वो फिरका है, वो फलां फिरके से ताल्लुक रखता है, वो फलां फिरके से ताल्लुक रखता है। नहीं, हम एक हैं, हमारा कलमा एक है, हमारा खुदा एक है, हमारा मुस्तफा एक है और हमारा कुरान एक है। मैं इन्हीं बातों पे अपनी बात का इख्तिताम करता हूँ। वस्सलाम।